नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। हरियाणा एसएससी की तरफ से बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने ये आई है कि हरियाणा पटवारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा एसएससी ने हरियाणा कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली थी और तुरंत से हरियाणा पटवारी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और 14 जून से इसका जो अप्लाई है फॉर्म अप्लाई वो शुरू हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो मैं इस वीडियो को डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेट की बात करें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन या वैकेंसी जो आई है वो 12 जून को आई है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा वो 14 जून से शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। और लास्ट डेट जो है वो आपका 28 जून है, तो ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय दिया गया है। तो सर्वर बिजी होने की भी संभावना होगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये भी दिखाया गया कौन से वेबसाइट पर जाना है आपको, तो www.hssc.gov.in पे जाएंगे, उसको वहाँ से आपको ऑनलाइन करना है। आगे इसकी डिटेल जान लेते हैं। फी जमा करने की लास्ट डेट आपका 1 जुलाई 2019 है। अब देख लेते हैं कितनी सीट है, क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, सारे कुछ देख लेते हैं नोटिफिकेशन में जो दिया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन या वैकेंसी की। तो जनरल वालों के लिए 254 सीट है, ठीक है, नन ESM 205, ESM 42 और 7 ESP। उसी तरह से SC के 104, नन ESM में आपके 89, टोटल मिलाकर देखा जाए तो ग्रैंड टोटल यानी टोटल सीट जो है वो 588 सीट है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार टोटल 588 सीट है। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको ग्रेजुएट यानी कि स्नातक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। सेकंड पॉइंट जो है आपका मैट्रिकुलेशन में हिंदी, संस्कृत या उर्दू कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में क्वालिफाई द पटवारी एग्जामिनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स ई ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस गिवन इन अपेंडिक्स एफ टू द दीज रूल्स आफ्टर अटेंडिंग द पटवार स्कूल मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन अंडरगो सच प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ एज मे बी स्पेसिफाइड बाई द डायरेक्टर। यह आपको जो सर्टिफिकेट है वो बन जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सीधा आप अप्लाई कर दो। ग्रेजुएट अगर हो और मैट्रिकुलेशन में आपका हिंदी या संस्कृत कोई ऑब्जेक्ट, उर्दू हिंदी हो या संस्कृत हो या उर्दू हो कोई एक सब्जेक्ट है, तो एज की बात की जाए तो वो 17 से 42 साल का एज है। पे स्केल जो है वो आपका 5200 पे स्केल है, 5200 से 20200 प्लस 2400 आपका ग्रेड पे है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलने जा रही है। 5200 20200 का पे स्केल है, 2400 ग्रेड पे भी है। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों का अपर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा SC कास्ट को। अगर OBC की बात की जाए तो OBC को भी 5 साल का ही मिलने जा रहा है, ठीक है। फॉर एक्स सर्विसमैन में 3 सालों के लिए है। द अपर एज लिमिट इज रिस्पेक्ट टू BDO, अगर वो BDO है तो वो 47 ईयर्स तक का है अपर एज लिमिट जो है आपका। देखा जाए तो एज लिमिट इसमें बहुत है, एज का कोई टेंशन नहीं है आपको, 17 से 42 साल तक एज लिमिट है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप OBC का है कैंडिडेट है या SC के हैं तो 5 साल का आपको छूट मिल रही है, यानी 47 साल। तो 17 से 42 साल या 47 साल अगर आप कैटेगरीज वाइज वैकेंसी में देखें। तो अगर देखा जाए कि आपको फ़ी क्या होगा, तो फी जो है वो मेल या फीमेल को आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा से बाहर हैं तो 100 रुपया, अगर आप हरियाणा के ही हैं तो 50 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, जनरल कैंडिडेट को। अगर आप OBC से हैं या BC SC कुछ भी हैं तो आपको ओनली 25 रुपया देना पड़ेगा पुरुष को, सिर्फ 25 रुपया। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 13 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है
जो अपाहिज लोग हैं या एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा के हैं, उन्हें कोई भी फी नहीं लगेगा, बिल्कुल छूट मिलेगी फी में। अब देखिए क्या आपका एग्जामिनेशन का क्रिटेरिया है, सारा यहाँ दिया गया है। आपको जो स्कीम ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन टू द पोस्ट शैल कंप्राइज ऑफ टोटल 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें रिटन एग्जाम आपका 90 मार्क्स का है और सोशियो इकोनॉमिक क्रिटेरिया एंड एक्सपीरियंस आपका 10 मार्क्स का है। ठीक है, 90 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन कौन सा पार्ट होगा, तो 90 मार्क्स में 75% जो मार्क्स होंगे वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न और रिलेवेंट सब्जेक्ट एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये सब सब्जेक्ट से आपके 75%, 90 नंबर में 75% मार्क्स ये सब से होंगे। 25% जो बचे वो आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा। और हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा का ये वैकेंसी है तो हरियाणा का जीएस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हरियाणा स्टेट के बारे में सीएम कौन है, कितना उसका एरिया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। द मार्क्स फॉर सोशो इकोनॉमिक क्रिटेरिया एंड एक्सपीरियंस शैल बी एलोकेटेड फॉलो, ये सब है, आप नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़कर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सीट है और काफ़ी अच्छा मौका है आपका। टोटल 588 सीट है, सब कुछ आपको बता दिया हूँ। अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका जो 14 जून से है वो ऑनलाइन शुरू करने से पहले ऑफिशियल नोटिस खुद से भी पढ़ लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।